तो मूवी स्टार्ट होते ही हम देखते हैं कि एक ग्रुप में कुछ फ्रेंड्स आपस में बात कर रहे हैं। उस ग्रुप में एक लड़की भी होती है जिसका नाम अथेना होता है। वो अपने फ्रेंड्स को कहती है कि हंट की डेट करीब आ रही है और लोगों को मारने से अच्छा और कुछ भी नहीं हो सकता। यानी कि यहाँ पे साफ साफ लोगों को मारने की बात हो रही थी। इसके बाद हमें एक सीक्रेट लोकेशन दिखाई जाती है जहाँ पे कुछ और लोग होते हैं और ये लोग और कोई नहीं अथेना के ग्रुप के मेंबर्स थे। और तभी अचानक से वहाँ एक आदमी आता है जो काफ़ी डरा हुआ और घबराया हुआ होता है और साथ में ही वो बहुत कंफ्यूज होता है कि वो यहाँ पर है और वो यहाँ पर क्या कर रहा है। तभी एक आदमी उसके पास जाता है और उसे रिलैक्स करने की कोशिश करता है और उसे ज़मीन पर लिटा देता है और ज़मीन पर लिटाने के बाद ही वो उसके गले पे एक पेन मार देता है जिससे कि उस आदमी को काफ़ी ज़्यादा खून निकल जाता है। मगर फिर वो आदमी खुद को बचाने की बहुत कोशिश करता है लेकिन ये शोर सुनकर अथेना खुद वहाँ पर आ जाती है। अथेना उस आदमी के पास जाती है और उसकी आँखों में अपनी सैंडल की हील घुसा देती है जिससे कि उस आदमी की वहीं पे मौत हो जाती है। फिर अथेना अपने सैंडल से ही उसकी आंखें हटाती है। फिर हम एक लड़की को देखते हैं जिसकी आंख खुलती है। वो देखती है कि वो एक जंगल में और उसके मुंह पर एक बेल्ट बांधी गई है। उस लड़की के अलावा वहाँ पर और भी कुछ लोग थे जिसको प्रिजनर्स बनाकर लाया गया था। जंगल के साथ एक ओपन एरिया भी था जहाँ पर बीच में एक वुडन बॉक्स रखा गया था। उनमें से एक आदमी उस वुडन बॉक्स को ओपन करता है। उसे ओपन करते उसे एक छोटू सा पिक दिखता है और उस पिक के अलावा उसके अंदर काफ़ी सारे वेपन्स भी होते हैं जिन्हें सब ले लेते हैं। उस लड़की को एक की मिलती है जिसके हेल्प से वो अपना मुंह खोलती है और बाकी सबका भी। और तभी अचानक से उन पर कोई फायरिंग कर देता है जिस फायरिंग पे सबसे पहले वो लड़की ही मारी जाती है। वो फायरिंग और कोई नहीं अथेना के ग्रुप के लोग ही कर रहे थे। एक आदमी नोटिस करता है कि फायरिंग काफ़ी ज़्यादा दूर से हो रही है। तभी एक औरत वहाँ से भागने लगती है मगर वो एक डिच में जाके गिर जाती है और तभी वो आदमी उसकी हेल्प करने जाता है और वो उसको देखता है कि वो एक स्प्रिक पर गिरी है और उस औरत को वहाँ से बाहर निकालता है और वहाँ से भागने की कोशिश करता है। फिर तभी उस आदमी का पैर एक ट्रैप पर लग जाता है जिससे कि वहाँ पे एक ब्लास्ट होता है और उस ब्लास्ट में वो आदमी वहीं पे मर जाता है। लेकिन वो लेडी फिर से उस डिश में जाके गिर जाती है। तभी एक दूसरा आदमी उसकी मदद करने लगता है लेकिन उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब होती है। उसकी बॉडी नीचे की तरफ से ब्लास्ट हो चुकी होती है और तभी उस आदमी से गन छीन कर वो औरत खुद को शूट कर लेती है। तभी एक आदमी जंगल की तरफ भागता हुआ आता है और उसे तीन लोग मिलते हैं और उनके सामने एक वायर की बहुत बड़ी बाउंड्री होती है। वो तीन लोग बाउंड्रीज को आसानी से पार कर लेते हैं मगर जब वो आदमी उस बाउंड्री को पार करने लगता है उसके पीछे आरोज की बरसात हो जाती है और वो काफ़ी गुस्से में पीछे पलटता है और अपनी गन निकाल के उनकी तरफ बढ़ता है ताकि वो उन लोगों को मार सके। लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पाता और उसके ऊपर और भी ज़्यादा एरोस की बरसात हो जाती है और वो वहीं पे गिर जाता है। उसके पास दो बॉम्ब आके गिरते हैं जो कि वहाँ पे फट जाते हैं और वो आदमी वहीं पे मर जाता है। वो तीनों सर्वाइवर्स एक शॉप में जाते हैं जहाँ पे उन्हें एक आदमी और एक औरत मिलते हैं जो कि हस्बैंड वाइफ होते हैं और उस शॉप के ओनर्स भी होते हैं। वो दो आदमी जो थे वो दो सर्वाइवर्स की उनसे बहस हो जाती है लेकिन जो फीमेल सर्वाइवर थी वो वहाँ पे रखा हुआ फूड खा लेती है जो कि पॉइजनस होता है और वो वहीं पे मर जाती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो शॉपकीपर्स थे वो फेस पे मास्क पहन कर आते हैं और वो अपनी शॉप में कुछ जहरीला गैस फैलाते हैं जिससे कि वो दोनों सर्वाइवर्स मर जाते हैं। फिर वो अपने शॉप को क्लीन करने लगते हैं और डेड बॉडीज़ को छिपा देते हैं और वो अपने शॉप को ऐसा बना देते हैं जैसे वहाँ पे कुछ हुआ भी नहीं हो और वहाँ पे वो फिर से अपने दूसरे शिकार के लिए तैयार हो जाते हैं। वो तभी एक लड़की आती है जिसका नाम क्रिस्टल होता है और ये लड़की इस मूवी की मेन कैरेक्टर होती है। क्रिस्टल उनसे पूछती है कि वो किस जगह पर है और वो उस शॉप से एक सिगरेट भी खरीदती है। लेकिन जब उसे चेंज वापस मिलता है तब उसे शॉपकीपर्स पर बहुत ज़्यादा डाउट होता है और वो गन निकाल कर उनको वहीं पर मार देती है। और फिर वो बाहर आकर देखती है एक ट्रक जिसकी नंबर प्लेट वो रिमूव करने लगती है। उस नंबर प्लेट के पीछे एक और नंबर प्लेट होती है जिससे कि वो समझ जाती है कि ये लोकेशन कुछ और ही है। उस ट्रक में उसे कुछ वायर्स भी दिखती है जो कि एक बॉम्ब से कनेक्टेड होती है। फिर वहाँ पर एक आदमी जिसका नाम गैरी होता है वो वहाँ पर पहुँचता है और क्रिस्टल उसे बोलती है कि ये ट्रक कभी भी ब्लास्ट हो सकता है। और फिर गैरी और क्रिस्टल साथ साथ चलने लगते हैं। तभी उनके साथ एक ट्रेन भी गुजरती है और क्रिस्टल उस ट्रेन में जल्दी से चढ़ जाती है। उसे देखकर गैरी भी उस ट्रेन में चढ़ जाते हैं। उन्हें वहाँ पर कुछ और भी लोग भी मिलते हैं जो कि रेफ्यूजीज थे। गैरी क्रिस्टल को बताता है कि ये लोग रेफ्यूजी नहीं हैं, ये बस गुमराह करने के लिए लिए हैं। मगर क्रिस्टल उसकी बातों पर ध्यान नहीं देती। कुछ दूरी पर कुछ सोल्जर्स उस ट्रेन को रोक लेते हैं और सभी लोगों को नीचे निकाल देते हैं। गैरी उनको भी बताता है कि ये रेफ्यूजीज फेक है
पर उसके बाद पे फिर से कोई ध्यान नहीं देता और सभी लोग चलने लगते हैं। तभी एक आदमी गैरी के पास आता है और उसे कहता है, आई डोंट थिंक सो कि तुम्हारे बात पर कोई भरोसा करेगा। उसकी इस आदमी की इंग्लिश सुनकर गैरी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है और तभी वो आदमी कुछ बात रिवील करता है गैरी को। वो कहता है कि मेरे अलावा यहाँ पे जितने भी रेफ्यूजीज है सारे असली है और ये सोल्जर्स भी असली है, मगर वो हंटर्स है और ये उनके साथ मिले हुए हैं। गैरी को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, वो उस आदमी पर झपट पड़ता है और उसके पॉकेट में एक बॉम्ब डाल देता है, जो वो आदमी टाइम के मुताबिक नहीं निकाल पाता और वो बॉम्ब वहीं पे फट जाता है और वो वहीं पे मर जाता है। फिर वो सोल्जर्स क्रिस्टल को एक कैंप ले जाते हैं, जहाँ पर क्रिस्टल को एक आदमी दिखता है, वो एक प्रिजनर होता है, वो किसी तरह से वहाँ से भाग कर रहा होता है। फिर एक आदमी आकर उन दोनों को ले जाने लगता है। वो आदमी उन हंटर्स की काफ़ी ज़्यादा तारीफ करने लगता है, जिससे कि क्रिस्टल को उस पर डाउट हो जाता है और वो उस आदमी को एक किक मारती है, जिससे कि वो कार से बाहर गिर जाता है। कार से बाहर जैसे ही वो गिरता है, क्रिस्टल उस पर गाड़ी चढ़ा देती है और वो वहीं पर मर जाता है। तो वो आदमी क्रिस्टल पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगता है और वो कहता है कि ये आदमी ही हमारे पास एक आखिरी जरिया था, जिसकी वजह से हम यहाँ से बाहर निकल सकते हैं। लेकिन वो जैसे ही कार की बैग खोलते हैं, वो देखते हैं उसमें गैरी की डेड बॉडी होती है, जिससे कि वो समझ जाते हैं कि उन्होंने उस आदमी को मारकर बहुत अच्छा किया, वरना वो आदमी उन दोनों को भी मार देता। वो आदमी क्रिस्टल को बताता है कि यहाँ पर जितने भी प्रिजनर्स लाए गए थे वो सारे मर चुके हैं और सिर्फ वो दोनों ही बचे हैं। और फिर क्रिस्टल उसे कहती है कि जिन्होंने भी उसे यहाँ पर फंसाया है वो उसे मार देगी। और ये वर्ड प्रूफ करने के लिए एक टर्टल और एक रैबिट की स्टोरी सुनाती है। हमने अपनी रियल लाइफ में भी एक टर्टल और रैबिट की स्टोरी सुनी है, लेकिन क्रिस्टल की स्टोरी काफ़ी अलग होती है, क्योंकि इसकी एंडिंग काफ़ी अलग होती है। और फिर दोबारा हमें उसी लोकेशन को दिखाया जाता है जहाँ पे लोगों को प्रिजनर्स बना के लाया गया था, और हमें वो सीक्रेट लोकेशन भी दिखाई जाती है जिनमें वो हंटर्स थे और वहाँ पर उसका ट्रेनर भी होता है जिन्होंने उन हंटर्स को बनाया था। जब हंटर्स की लीडर अथेना थी और वो आदमी और वो क्रिस्टल भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं, वहाँ पर उस आदमी को वो पिक भी मिलता है। उन लोगों को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए वो उस पिक को वहाँ पर भेजता है और तभी क्रिस्टल वहाँ आती है और उन लोगों को मारने लगती है। पर उन हंटर्स का ट्रेनर जो था वो अभी जिंदा था, वो क्रिस्टल पर अटैक कर देता है और उन दोनों में काफ़ी ज़्यादा लड़ाई हो जाती है और क्रिस्टल उसे भी मार देती है। और तभी अथेना की कॉल आ जाती है और वो क्रिस्टल को गुमराह करने के लिए उसे आदमी से कहती है कि उसने अभी तक क्रिस्टल को मारा है या नहीं। ये बात सुनकर क्रिस्टल उस आदमी पर भी डाउट करती है और उस आदमी को अपने आप को प्रूफ करने का बिल्कुल भी मौका नहीं देती और उसे वहीं पर मार देती है। फिर क्रिस्टल उस ट्रेनर के पास जाती है जो अभी जिंदा होता है और काफ़ी इंजर्ड होता है। वो उससे अथेना की लोकेशन पूछती है और अथेना की लोकेशन जाने के बाद ही वो उसके मार देती है। इसके बाद हमें एक साल पहले का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि आखिर ये लोग हंटर्स क्यों बने थे और अथेना ने ये सब कुछ क्यों किया। मूवी के शुरुआत में हमने देखा था अथेना और उसकी फ्रेंड्स की कुछ बात चल रही थी, जिसमें से वो हंट की बात कर रहे थे और वो सिर्फ एक प्रैंक था, लेकिन क्रिस्टल और 11 और लोग जो कि प्रिजनर थे उन्होंने इस ग्रुप चैट को लीक कर दिया और उसकी वजह से अथेना और उसके दोस्तों की जॉब चली गई। अब पहले तो उन लोगों ने ये हंट की बात सिर्फ मजाक में करी थी, लेकिन अब वो इसे रियलिटी में करने के लिए तैयार हो चुके थे, क्योंकि उन्होंने बदला लेना था और इसीलिए उन लोगों ने इनके लिए ट्रैप बनाया था। और जब क्रिस्टल अथेना की लोकेशन पर पहुंचती है, वो देखती है कि अथेना खाना बना रही होती है और उनकी बात भी होती है। क्रिस्टल को कहती है कि उसको उसके बारे में सब कुछ पता है और वो उसके फैमिली बैकग्राउंड का मजाक बनाने लगती है। तो क्रिस्टल उसे कहती है कि वो इसी क्रिस्टल की तलाश कर रही है और वो ये नहीं है और वो किसी गलत क्रिस्टल को उठा लाए हैं। और फिर उनके बीच बहुत ज़्यादा झगड़ा हो जाता है और वो दोनों इंजर्ड हो जाते हैं और नीचे गिर जाते हैं। उसके बाद वो दोबारा उठते हैं और दोबारा फाइट करने लगते हैं, लेकिन लास्ट में क्रिस्टल जीत जाती है और अथेना हार जाती है। अथेना मर जाती है और क्रिस्टल देखती है कि उसकी डेड बॉडी के पास एक रैबिट बैठा होता है और यहाँ पर वो स्टोरी प्रूफ हो जाती है जो उसने उस आदमी को बताई थी। असल में वो टर्टल क्रिस्टल थी और रैबिट अथेना थी। फिर क्रिस्टल उठती है और अथेना का बनाया हुआ खाना खाती है। फिर वो अथेना की ड्रेस पहनती है और उसके डॉग को लेती है और एक प्राइवेट जेट में जाती है और वो पायलट को कहती है प्लेन को टेक ऑफ करे। और ये कहानी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। और अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक करना मत भूलिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और अगर आप और भी वीडियोज़ ऐसे देखना चाहते हैं तो हमारे बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। थैंक यू।